देखा आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू, डेल्टा यू बराबर क्यू दे रखा है, कितना है 200 जूल और डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो अगर मैं पी एक्सटर्नल क्या है कॉन्स्टेंट 1.5, तो मैं माइनस 1.5 और डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी लिमिट लगा दूंगा बी टू से बी टू माइनस, तो बी टू कितना है 1 और 0.5, तो माइनस 1.5 इनटू 0.5 0, ये कितना आ गया 0.75 पर यू हो जाएगा 200 माइनस लीटर एटीएम को चेंज करने के लिए क्या करेंगे 101.300 ठीक, जो भी आगे आंसर 124.0 ना, यस चले आगे। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में वर्क निकाल, राइट। सबसे पहले हेडिंग लगाएं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखें हमारा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला था ना, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, पहला फिल्टर तो मेरा क्या लगा आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा मैंने क्या लगाया प्रोसेस क्या है रिवर्सिबल। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल होगा, और इंटरनल में कौन भरा है गैस, और गैस का वो क्या होता है प्रेशर एनआरटी अपॉन डीवी, तो माइनस एनआरटी अपॉन बी इंटू डीवी, n क्या है कांस्टेंट, r क्या है कांस्टेंट, और t मैंने कर दिया था, राइट। तो nrt आ गया बाहर, क्या हो गया dv अपॉन v, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है log, log v नहीं ln v, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा w = -nrt ln v2 upon v, और अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो मुझे पता है p is inversely proportional to v, बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 बराबर V2 V2, या मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन V2 बराबर P2 अपॉन V1, तो एक फॉर्मूला में ये, और ग्राफ तो सेम ही आएगा रेक्टेंगुलर हाइपर। चले आगे, तो ये हो गई आपकी बात आइसोथर्मल। अब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं और प्रोसेस कौन सी है आइसोथर्मल, तो मुझे पता है डेल्टा यू क्या है, तो क्यू बराबर और डब्ल्यू अभी निकाल लिया था, तो सब में साइन का चेंज कर दो, क्यू आ गया,
अब बात करते हैं स्लोप की, तो इसमें डायरेक्ट लिख लें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डीपी ओवर डीवी, डी तो है स्लोप, डीवाई ओवर डीएक्स ये आता है माइनस पी वाई डी। माइनस थ्री बाई वी तो याद रखिएगा। चल क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में आपको आइसोथर्मल बोला, रिवर्सिबल भी बोल दिया और आइडियल गैस भी बोल दिया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? W इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, एन कितना है वन, आर की वैल्यू जिस भी यूनिट में पूछा हो मैं ऐसा ही निकाल रहा हूँ, टी क्या हो जाएगा 300, एल एन पी वन टेन, एल एन टेन की वैल्यू 8.314 इंटू 300 और एल एन टेन की वैल्यू हो गई 2.303। इसको लॉग टेन होता है भाई वन और एल एन टेन होता है 2.303 इंटू लॉग टेन, लॉग टेन हो गया वन तो ये हो गया 2.3। ठीक है तो ये आप निकाल देना, सही है या नहीं, जो भी आएगा जूल टाइम और देखते हैं। चलिए अगला करिए, माइनस 152 फॉर्मूला कौन सा लगाया? आईएमपी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल डी, वहां से क्या हो जाएगा ठीक है, फॉर्मूला बस आपको देखना है कौन सा लगेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी आइसोथर्मल नहीं बोला राइट और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है कितना 180 एम प्रेशर, तो W इज इक्वल्स टू माइनस 1, V2 कितना है 3.5 माइनस 2, W आ गया माइनस 1.5 लीटर।
ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, जहां कुछ ना चले वहां ये चलाएंगे। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। दुनिया आगे जा रही है, चांद तक पहुंच गई। चलिए और देखते हैं, नीट 2019 फॉर्मूला कौन सा लगेगा देखें, क्वेश्चन में आइडियल गैस दिया है, प्रोसेस आइसो थर्मल भी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यों आइसो थर्मल प्रोसेस में कौन सा लगता है, तो फिर वो क्यों नहीं लगाया, दे नहीं रखा, क्या नहीं दे रखा, वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो रखा मोल तो वन मान लो, उसमें क्या है, जब मोल ना दे रखे हो तो वन मान लो, हाँ तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या है, कॉन्स्टेंट, और जब एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल, और वो जो फॉर्मूला लिखवाया था उसका फिल्टर लगाया था हम लोगों ने, रिवर्सिबल, तो यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये बात क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या हो गई, इरिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल होती है प्रोसेस, अगर यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस कर दे तो फिर माइनस एनआरटी एलएन बी टू अपॉन बी, तो डब्ल्यू बराबर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है भाई, 10^5, ठीक है, उसके बाद बी टू कितना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी पिछले क्वेश्चन में, अच्छा हाँ एक चीज देख लें, पुराने वाले क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी थी, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड डब्ल्यू, ठीक है, तो आपका अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो आप किसमें रिपोर्ट करेंगे, प्लस 1.5 लीटर एटी, ये होगा आपका, इस बात को याद रखिएगा। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, माइनस 900 जूल, अगला करिए फिर से नीट 2019 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू इतना लीटर
अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम आए थे, ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन पैकेज में है ना, ये वाला करिए, ये तो हम कल कर चुके हैं सर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रूट से करेंगे, बार बार में लिखा हुआ है। नीट 2017 होमवर्क, 2004 एक, ये सब आपके पैकेज में, अब ये सब आपको खुद करने हैं। चलिए एक और करिए, जेई का क्वेश्चन। 10 मोल डाई एटॉमिक आइडियल गैस है और वो ए डायनामिकली प्री एक्सपेंशन कर रही है फ्रॉम 1 लीटर 300 केल्विन टू 8 लीटर। तो अगर ए डायबिटिक प्रोसेस है तो क्यू क्या हो गया? जीरो जीरो और फ्री एक्सपेंशन है तो डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो और डेल्टा यू बराबर क्यू ये भी जीरो ये भी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। टेम्परेचर बताइए टी फाइनल, तो डेल्टा यू क्या होता है? टी बी टी टू माइनस टी वन, ये क्या है? जीरो। इसका मतलब टी टू बराबर क्या होगा? टी तो टी टू क्या हो गया? 300। चले आगे, चल इसको करिए, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल CaCO3 है आपके पास और वो डीकंपोज कर गया किसी ओपन वेसल एज पर द रिएक्शन। तो शुरुआत में आपके पास क्या रहा होगा? केवल CaCO3 जो कि क्या है? सॉलिड। तो इसका मतलब शुरुआत में वॉल्यूम किसका रहा होगा? केवल सॉलिड का। और बाद में जब ये रिएक्शन हो गई तो ये सॉलिड बना और ये गैस गैस बना। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हिच इज स्लाइटली और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो गैस के सामने हम लिक्विड और सॉलिड को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम तो कुछ था ही नहीं जबकि फाइनल में क्या बन रही है? गैस। और फाइनल में भी CaO का वॉल्यूम हमें कंसीडर नहीं करना, किसका कंसीडर करना है? केवल CO। ठीक है, और वह पूछा है मेरे से तो W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल पी टू माइनस बी वन, और इनिशियली तो CO2 गैस थी नहीं तो बी वन क्या है? जीरो। तो इसका मतलब W आ गया माइनस पीबी। ठीक, और पीबी बराबर क्या होता है? एनआरटी। तो W आ गया माइनस एनआरटी। यहाँ पर N कितने हैं CO2 के पास? माइनस 1 × R। तो हमें जिस यूनिट में भी चाहिए होगा तो हम 8.314 ले लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 8.314 - 8.314।
अब इसी क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में आपसे बोल दूं कि शुरुआत में मेरे पास 50 ग्राम CaCO3 था, तो इसका मतलब आधे मोल थे CaCO3 के, तो CO2 के भी कितने बनेंगे 8। तो अब n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब क्या रहेगा राइट। तो n आपको स्टोइकोमेट्री से हर बार निकालना है, क्लियर है। कैलोरी में पूछा है आपको, कितना आएगा सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, जब सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब उसके बाद रिएक्शन को पहले बैलेंस करिए, बैलेंस ही है ना ठीक। अब कितना कह रहा है मेरे से 92 ग्राम, तो 92 अपॉन 23 ये कितने आ गए 4 मोल, 2 से बनते हैं 1, तो 4 से बनेंगे 2। ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एन आर पी। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, कैलोरी में पूछा है तो यहाँ पर 1.98 या 2 लेगा, तो 1200 लगभग के आसपास है ना, 11 कुछ आएगा, 94 ले लेते हैं, 1200 से थोड़ा सा। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। चले आगे, चलिए। तो ये आपके आइसोथर्मल से रिलेटेड जितने टाइप के वर्क के क्वेश्चन आ सकते थे वो हेडिंग में आए आइसोबेरिक। अब आइसोबेरिक में तो पी एक्सटर्नल ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ तो यही फॉर्मूला चलेगा, पी एक्सटर्नल की जगह मतलब पी डेल्टा वी की जगह मैं एनआर डेल्टा वी भी लगा सकता हूँ।
यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो ग्राफ हो जाएगा। चले आगे, करिए क्वेश्चन कह रहा है आपने एक प्रोसेस कराई जिसमें आपने आइसोबेरिकली कंप्रेशन कराया V1 से V2, मतलब आपकी V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम गए और उसमें W लगा आपका W1। फिर आपने एक और प्रोसेस कराई, अब की बार आपने कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन कराया और अब की बार जो वॉल्यूम था वो आपने V2 से V1 पे चले और W आया W2। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव बाय 10। ओके देखते हैं, देखें तो अगर मैं पहले W की बात करूं तो वो कितना आएगा, माइनर पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम इज माइनस ये W1 हो गया, और W2 की अगर मैं बात करूं वो कितना आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल अब फाइनल वॉल्यूम क्या है, सही है। तो क्या मैं इसको यहां पर प्लस लगा के यहां माइनस यहां प्लस कर दूं, तो क्या ये दोनों सेम ही तो लिखे हुए हैं, बस ये माइनस है और ये, तो W1 प्लस W2 बराबर क्या हो गया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस प्रोसेस में W एक स्टेट फंक्शन की तरह वर्क कर रहा, क्योंकि स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होते हैं और ये प्रोसेस साइक्लिक है, वो V1 से V2 गया और V2 से कहां गया V1। तो यहां से एक कंफ्यूजन निकला कि जो आइसोबेरिक वर्क होता है इट इज अ स्टेट फंक्शन, जो आइसोबेरिक वर्क होता है इट इज अ स्टेट फंक्शन। कंडीशन क्या है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होनी चाहिए, तो यहां पर प्रेशर भी सेम था, प्रेशर तो पूरी प्रोसेस के दौरान क्या था सेम, वॉल्यूम में उसको सेम करके ले गया। चले आगे, अच्छा एक चीज और यहीं पर समझ ले, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस W, ठीक है। अगर मैं प्रोसेस लगा दूं ए डायबिटिक तो क्या हो जाएगा क्यू, तो डेल्टा यू बराबर मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू बराबर W
और मैं इस W को बोल दे रहा हूँ W एडियाबेटिक, ठीक। डेल्टा U कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। और W एडियाबेटिक भी क्या हो जाएगा फिर? W adiabatic is always a state function. ठीक है, चल अगली प्रोसेस आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक में क्या होता है? dV बराबर जीरो, और अगर चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो है तो हमेशा वर्ब भी क्या होगा? और इसमें वो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप क्या होता है? dP ओवर dV, और ये क्या है? जीरो, तो स्लोप आ गया इनफाइनाइट, ग्राफ आएगा। हम कॉल कर रहा है कल अलीगढ़ की ब्यूटी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे दिन भर घर पे ही बैठे रहे। चलो बारिश हो रही है, बाहर चलते हैं। किसी ने बोला था यहाँ पे एक सिंधी वाला है, उसके ब्रेड जो उसके ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। बारिश का मौसम चलते चाय पियेंगे, हल्का गेट जैसे बोला पानी। चलिए हेडिंग लगाए एंथैल्पी। अब एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं। एंथैल्पी की हम लोगों ने देखो बात करी थी जब हम सीपी डेल्टा टी पढ़ रहे थे कि एंथैल्पी क्या होता है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। ये आपके एनसीईआरटी में ले रखा है, इसका अलग ही कोई काम नहीं है। जो मैं आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले लिखवाऊंगा काम उनका, ठीक है? तो बड़े ध्यान से इनको समझिएगा। देखिए एच बराबर यू प्लस पीवी तो सबको पता है। अगर मैं पूरे में चेंज ले आऊं तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी लिख सकता हूं, ठीक। अब इस फॉर्मूले में मैं कंडीशन लगाता हूं पहली कि अगर मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ला सकता हूं, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी भी। और अगर मैं कंडीशन लगा दूं प्रेशर कांस्टेंट है तो लिखूंगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी भी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखना है अगर पी और बी दोनों चेंज हो तो आप वाला लगा देना, एक एक कोई चेंज हो तो आप ये बात। डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा डेल्टा के साथ ही होंगे क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। चले आगे, कुछ और कंडीशन लगाते हैं। फॉर आइडियल गैस क्या मैं डेल्टा पीवी की जगह डेल्टा एनआरटी लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा
ये डेल्टा वैल्यू या तो हो सकता है एन चेंज होने की वजह से है या फिर टी चेंज होने की वजह से है। ठीक है, तो अब देखें अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, मोल्स होंगे चेंज, तो उस समय पर फॉर्मूला लगेगा इक्विवेलेंस। और अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है तो मोल्स तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। अरे डब्बे के अंदर गैस है, मैं उसको चाहे पिचकाऊं चाहे ऐसे बाहर कर दूं, उसमें मोल्स का कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसका चेंज आया केवल, अब की बार में डेल्टा यहाँ से हटाकर काम लगा दूंगा। तो ये दोनों सबसे काम के फॉर्मूले सबसे ज्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पांच छह क्वेश्चन आने लगे नीटनेस फॉर्म। हर फॉर्मूले की कंडीशन याद रखिएगा, अगर आपको कंडीशन नहीं याद रही तो फॉर्मूले तो हर जगह लिखे हुए हैं। चले आगे, और इस फॉर्मूले को लगने के लिए एटलीस्ट एक गैस तो होनी चाहिए। डेल्टा एनडी आप निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इस शब्द पर ध्यान देना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड से आपको कोई भी मतलब नहीं। यस, इसमें डेल्टा एनडी बताइए मुझे, तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स कितने हैं और रिएक्टेंट में एक इधर दो इधर, टोटल टू माइनस माइनस। ठीक है, उनकी अलाउड नहीं हो पाए क्लास, तो पेरेंट्स से गार्जियन से आप लोग बात कर लेना, आज कल दो दिन के अंदर आप करा देंगे जमा। ठीक है, प्यार से धमकी दिए, घुसने नहीं दिया जा रहा है, एक सिंपल भाषा में ये समझो। सर हो गया, दो तीन एग्जांपल और कर लेते हैं, लॉ पैकेज से करवाते, पैकेज देना। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर देखो वन हो गया है, टू हो गया है, थ्री करिए. नंबर 164 PYQC तो बराबर हो. क्वेश्चन नंबर थ्री फील्ड नंबर 164 क्वेश्चन नंबर थ्री. ऐसे भी क्वेश्चन आएगा. ईपी माइनस ईवी इज इक्वल टू और करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स. हम लोग कर चुके हैं राइट, टेन भी कर चुके. 12 आपका होमवर्क है, 15 भी होमवर्क है. तो पढ़ते समझ में आ जाएंगे. 25 हो ही गया है, 31 डन है, 39 डन है, 43 करिए. AIPMT 2006 43 डेल्टा एच और डेल्टा ई किसमें बराबर होंगे? पहले वाले में जिसमें डेल्टा एन ई क्या होगा. अगला करिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 करें. मैं भी ऑप्शन आए हैं. देखें भाई प्रोडक्ट में गैस क्या है, दो, और रिएक्टेंट में गैस है तीन. तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी माइनस वन. ठीक है चल बस इतना ही आया. एक और कर लीजिए. थ्री ए सॉलिड प्लस फोर बी लिक्विड सिक्स सी गैस प्लस सेवन डी एक्वल. डेल्टा एनजी की वैल्यू बताइए. चलिए फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है और मेरे पास जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से या तो लिक्विड में बदल रहा है या लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है, तो पी वी टू माइनस वी वन आएगा. अब मुझे पता है कि लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम लगभग लगभग क्या होता है, बराबर. तो मैं क्वेश्चन में इनको नेगलेक्ट मानकर और डेल्टा एच बराबर क्या कर दूंगा, डेल्टा यू. कब नेगलेक्ट मानूंगा, जब नॉट गिवन, अगर दे ही ना रखे हो. ऐसा नहीं दे रखे और आप नेगलेक्ट मान रहे, अगर नहीं दे रखे हैं तो आप देख लीजिए. या हो सकता है लेट सपोज एक गैस है और एक लिक्विड है, ठीक, और मान लो डेल्टा एनजीआरटी वाला फॉर्मूला आपका नहीं अप्लाई हो पा रहा है, तो आप देखेंगे अगर वी टू गैस का है तो उसके सामने वी वन को आप नेगलेक्ट कर देंगे, चाहे दे रखा हो चाहे ना दे रखा, क्योंकि गैस के सामने तो नेगलेक्ट हो ही जाएगा. इन सब चीजों का ध्यान. हालांकि थर्मो से आज तक आपके नीट में कोई खास क्वेश्चन आया नहीं है, बस एक क्वेश्चन आया है शायद 2018 में, वो 2012 एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस में पूछा गया था वो एमएसक्यू में, उसके तीन आंसर करेक्ट थे और इन्होंने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसका एक आंसर 2018 में ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसको करेक्ट. अरे ये रही का
परसेंट यही क्वेश्चन अच्छा है, इसको करेंगे हम लोग। चलिए इसको देखें, वन मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट, दिस विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस, तो एंथैल्पी कुछ ठीक है। तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, पहले चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो नॉन आइडियल गैस बोल दिया, यानी कि एनआरटी तो नहीं आ सकता, सही है ठीक। तो अब मेरे पास फॉर्मूला है एक के वाला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी। अब इसमें देख लेता हूँ कौन कौन सी चीज का कॉन्स्टेंट है, उसके हिसाब से लगा दूंगा। डेल्टा यू तो मेरे पास है 30 लीटर एटीएम। अब डेल्टा पी की बात कर लेता हूँ, तो डेल्टा पी में देखें P2V2 - P1V1, क्या P2 और P1 अलग है? यस। क्या V1 और V2 अलग है? हाँ। तो फिर बात बन गई P2V2, यानी कि 4 5 20 - 2 × 3, तो 20 - 6 14 और 14 3 42, 420 लीटर 80। ये आ गया डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं देखे ना हमने, तो ये वाला तो सही नहीं। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी से करिएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सब आपके नीट के हैं, ये आपको पैकेज में मिल जाएंगे। ओके